Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good afternoon, everyone. Today we will study the parallel form realization structure. हमने लास्ट क्लास में अपने पूरे जो हमारा वैल्यूज एच ऑफ जेड की वैल्यूज आई थी अपॉन में जो हमारी वैल्यूज थी उसको सॉल्व करके हमने ए और बी के फॉर्म में उसे करके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट को अलग कंपेयर किया था, कोएफिशिएंट्स को अलग कंपेयर किया था, जो जेड इनवर्स के कोएफिशिएंट थे उनको अलग कंपेयर करके और हमने ए और बी की वैल्यू निकाली थी लास्ट में, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे जो हमारा मेन स्ट्रक्चर पैरेलल फॉर्म रियलाइजेशन में आएगा। तो सिंपल था हमारा 3 + 7/(1 - 0.4 Z inverse) और +(-1/(1 - 0.5 Z inverse). इनपुट ये हो गया आपका, आउटपुट ये हो गया। अब आपको क्या बनाना है, आपको ये बनाना है, आपको ये बनाना है और आपको ये बनाना है। तो एक डिले एलिमेंट यहाँ पे लगेगा, एक डिले एलिमेंट यहाँ पे लगेगा। तो ये वाला डिले एलिमेंट हमने यहाँ पे बना लिया, ये वाला डिले एलिमेंट हमने उसके नीचे बना लिया क्योंकि पैरेलल है। अगर हमारा कैस्केड होता तो साइड में बनता हमारा, लेकिन पैरेलल की बात कर रहे हैं तो हमारा एक ऊपर बनेगा, एक उसके नीचे बनेगा और एक हमारा कोएफिशिएंट रहेगा जो हमारा कांस्टेंट रहेगा जो हमारा क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। बाकी वैल्यूज आपको पुट ऑन करनी है एडर विद मल्टीप्लायर के साथ, है ना। इसके साथ क्या लगाना है हमको, 7 के साथ क्या लगाना है, 1/-0.4 है तो +0.4 हो जाएगा, क्लियर है। ऐसी तरह से ये वाले स्ट्रक्चर को देखिएगा, 1/ यहाँ +0.5 है तो क्या हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा। एक डिले एलिमेंट इसका लगेगा, एक डिले एलिमेंट इसका लगेगा और ये एक कांस्टेंट अलग से बन जाएगा, ये हमने ऊपर बना दिया है ना, ठीक है। तो आपका एक्स ऑफ एन हमारा बन गया और हमारा आउटपुट आ गया वाई ऑफ एन, क्लियर है। एडर हम क्यों लगाते हैं, क्यों हमारा एड हो रहा है तो हमने एडर लगा दिया। हम थ्री ब्लॉक एलिमेंट से ही तो हम पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एडर होता है, मल्टीप्लायर होता है और डिले एलिमेंट होता है। इन तीनों का यूज करके हमने ये स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। बस आप ये याद रखिएगा कि डिले एलिमेंट्स कितने लग रहे हैं, एक डिले एलिमेंट लग रहा है ना, एक डिले एलिमेंट यहाँ लग रहा है, एक डिले एलिमेंट इसमें लग रहा है बस। और वैल्यूज पुट ऑन कर देनी है, जो भी वैल्यू ऊपर है वो ऊपर कर देंगे, जो नीचे वैल्यूज है बस नीचे वाले की वैल्यूज में आपको ये याद रखना है कि हमें साइन को चेंज करना है। ऊपर वाली वैल्यूज में साइन चेंज नहीं होगा, नीचे वाली वैल्यूज में साइन चेंज हमारा हो जाएगा क्योंकि वो फीडबैक है, फीडबैक में क्या होगा, हमारा साइन चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर, पैरेलल फॉर्म रियलाइजेशन हो गया है। अब ये पूरा टॉपिक आपका खत्म हो गया है, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा, वो हम पूरा का पूरा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे वीडियो लेक्चर्स में, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपको आपका लेक्चर 1 पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम आई, आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू, आप कॉलिंग के थ्रू, आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमें आपकी क्वेरीज आएंगी तो हमें भी पता चलेगा कि हमारी वीडियो में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे पूछते हैं ना, क्वेरी करते हैं ना, तो उससे एक टीचर्स का इम्प्रूवमेंट होता रहेगा कि हाँ हमें इस जगह पे थोड़ा सा वर्कआउट करना है क्योंकि बच्चों को इस जगह पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो कोशिश करिएगा कि फीडबैक दीजिए, फीडबैक आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुआ है उसमें भी आप पर्सनली भी भेज सकते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे होगा, तो हम आपको क्लियर कर देंगे। इज दैट क्लियर, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है वो सीधा मुझसे पूछ सकता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के क्वेश्चंस में, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है इस यूनिट का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करके यूनिट 1 को कंप्लीट कर देंगे। यूनिट 1 जैसे ही कंप्लीट होगी फिर उसके बाद हम यूनिट 2 का स्टार्टअप करेंगे, ओके। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, थैंक यू।